अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम आपको एक दिखाने वाले हैं सरप्राइज, वो है एक बुबल शेर। बुबल शेर मतलब शेर है, क्या है पता नहीं है। इतने बड़े बाल है और इतनी मोटी, लेकिन बब्बल शेर है। बब्बल इतने बड़े बाल वाले, हाँ पता नहीं कहाँ से आई है ये। सुबह सुबह हम उठे हैं और हमें सुबह सुबह एक ना छोटा सा सरप्राइज मिला है, वो भी गली से। मैंने ढूंढ के दिए, मैंने ढूंढ के दिए। हमारे घर में सबको बिल्ली पसंद है, लेकिन ना बिल्ली नस्ली से, ये हमारी चौथी बिल्ली है। चौथी बिल्ली आज अचानक नस्ली बिल्ली आ गई, बड़ी सारी। हाँ देखो, बब्बल शेर है, बब्बल शेर इधर ना, इधर हो जाए। कितनी बड़ी बिल्ली है, उसके साथ इशारे बिल्ली बनी पड़ी। चलो सो जाओ, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, बैठने दो पीछे बैठने। इतनी प्यारी बिल्ली है ना केटो, केटो इसकी आंखें तो देखो इतनी येलो, ये पता नहीं अब येलो किसकी है, येलो किसकी है, वो तो ढूंढ रहे होंगे। और ये भी गाय नहीं करती, बाई बाई बार बार जब से यहाँ पर ना मोटरसाइकिल गुजरता ये वो ही बजाती है, यही पर नीचे आके देखने लग जाती है। अगर हाँ नीचे वो देखो वहाँ से, अब बैठी हुई दरवाजे के साथ है, ये खुला और मैं बाहर भागू तो जा रहे थे अंदर जाके बैठी है दरवाजे में, जाके की तरह बैठ गया। हाथ गंदे हैं, हाथ धो पहले। हाथ धो क्या मानो, हाथ लगाए मैं तो हाथ धोया। इसको नहलाएगा आज, पता ना मैं क्या। दूध भी हमने डाल के दिया, सुन लिया, सुन लिया। हाँ दूध ही पी दिए, तो जो सुन लिया ये गोश्त खाते हैं। मेरे मेरे वही खाते खिलाते थे दो, हाँ बहुत अलग से नहीं खा भी सकते हैं, घर छोटा है हमारा। मुझे देख रही है, वो ऐसे देख रही है कि मैं यहाँ से तो बाहों पर जाऊँ, वहीं जाऊँ। नहीं भाई ना जाओ, भाई ना जाओ, जैसे उसने कहा मुँह दो बैठे दो दो दिया खड़ा है। अरे बैठ रहो, वो आगे पीछे से आगे मानो, वही मानो आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये एक दिन हमारे घर आए, चुप रहने से बैठो मानो, बैठो नीचे बैठ जाओ, बाहर निकलो, बाहर बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं नहीं जोर नहीं देना है। मुझे ना इससे मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है बबल शेर है, इतना मोटा इतनी बड़ी बड़ी आंखें है बबल शेर है। मुझे जब से बिल्ली आई है ना सुबह से, तब से मैं चार पाई पे बैठी हूँ, अभी नीचे उतरी हूँ। पहले वाली बिल्ली थी मैं हमारे पाँव के साथ आके सो जाती थी, हाँ अगर उसको हम गए ना उठो तो उसे हमें हमारे सामने होती थी वो, फिर जाओ पूछ के आओ ना किसकी है, उसे वापस दे दो। बड़ी होती जा रही है ना, चलो इतनी पूछ बड़ी होती जा रही है। जवाब दे रही है, क्या लगा हुआ है? अब जिसकी है वो तो परेशान होंगे, जो पालते हैं उनके तो ऐसे घर का एक फर्द होता है ये। हम क्या हम सोच रहे हैं कि हम पूछवा लेते हैं एक दो घर से, नहीं नहीं भिजवाते हैं, हमारी के लिए भी तो किसी के लिए है ना, यहाँ कभी देखी भी नहीं है ये, कुछ दूसरे मोहल्ले से आई है, ये घूमने फिरने आई, क्या करने आई है, राउंड मारने ये गलियों में। नहीं आप जाके पूछ के आओ किसकी है, वो जो जिसका घर बता रही थी उनसे पूछ के आओ,
زین کہتا ہے کہ وہاں ہم جہاں سپارہ پڑھنے جاتے ہیں نا ان کی پچھلی گلی میں ہے گھر اس کا ہی ہے شاید چلو جا کے پوچھ ہوگی انہوں نے ایک دو بار تو پھر میں نے کہا جا کے پوچھا اگر رکھنے کا دل کرتا ہے کہ رکھیں ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں چھوٹی ہوں نا اسے جیسا بندہ گائیڈ لائن کرتا وہ ایسے ہوتی ہے اب یہ کہیں پیچھے کر دے کہیں پوٹی کر دے یہ مسئلہ ہوتا ہے میں اس لیے نہیں رکھتی ورنہ دل کرنے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ کتنی پیاری ہے بس یہ واش روم کا ڈر ہوتا ہے واش روم کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ یہ کہیں گائیڈ کر پوٹی نہ کرتی یہ ہوگی تو گھریلو سیکھی ہوگی لیکن اب ان کا گھر کوئی اور اب ہمارا گھر کسی کی پالتی ہوگی نا جو اتنی سیکھی اسی کے اوپر چڑھ کے کھڑی تھی مما نے کہا نیچے اترو نیچے اترو ہم کہتے رہے چیختے رہے نہیں اتر جب مما آ گیا انہوں نے کہا نیچے اترو نیچے اتر کے آ گیا بیل ڈو یا نا چین جیسے ہوتی ہے پکڑنے والی وہ ہونا بندہ اس کے گلے پہ نشان تو ہے مطلب اسے بیلٹ ڈالتے ہوں گے بیلٹ ڈالتے ہوں گے ایسے ہوگا کچھ دیر کے لیے واش روم میں کسی کے باہر نکل آئی بس چلے زین اسے اٹھا کے دے آؤ جس کی ہے پتا نہیں ہے نا کس کے یہ سوکھا ہی نہیں جاتی بھاری آئی بہت یہ اٹھا ہی نہیں سکتا اتنی موٹی ہے چل شوز پہن جس کی بھی ہے نیا آپ کے ساتھ جائے اس کے بہت پیار ہے چھوڑ دے میری بلی کو کس نے مارا ہے پتہ کر کے آؤ یہ سے بیٹھنے دو آرام سے بیٹھنے دو کیا بنانا ہے میں سوچ رہی تھی خود ہی پڑی ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی آلو بھی پڑے ہیں وہ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں کل کبھی لوگ ہمارا دیکھا تھا ہاتھ دھو کیا اس کے ہاتھ دھو ہاتھ دھو ہاتھ ایک کمنٹ میں آتا اچھا میں نا اوپ ہے مار دے لوگ بلی والے ہاتھ بلی والے ہاتھ نہیں گھومتی رہے ان کو کوئی پتہ کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اب یہ دیکھے نا پیچھے لگے ہوئے اس کے دادو کے گھر ایک بلیک تھی پہلے وائٹ تھی چاچو شباز کے دوست نے دیکھی بیچاری بلی دودھ سے ڈرتی ہے اور اس کے بعد بلیک اس کے بچے بھی تھے بلیک تھے ساروں نے لے لیے اس کے بچے ہم سارے ہو گئے اگر کسی کی نہیں ہے نا پھر ہم اگر میں نے کہا کسی کی نہیں ہے پھر اپنوں میں کسی کو دے دیتے ہیں جنہیں شوق بھی اور وہ جسے رکھ بھی سکے اب کیا پتہ اب کوئی پوچھنے آئے گا تو پھر دے دیں گے پھر وہ تو گلی میں جاتے چھوڑ دے پھر نہیں نہیں باہر وہ ہیں کتے وغیرہ یہ بچے بہت گندے ہیں وہ نا اینٹ کے چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں بٹے مارتے پہلے ہمارے پاس ایک بلی تھی وہ تھوڑی سی دیر کے لیے باہر گئی تھی اسے مارنے لگ گئے تھے بہت مارا بھی تھا اسے چھوٹی سی بلی مار کھا کے آیا تھا لیکن اس کو بچا کے آیا تھا اس بلی کو تبھی زین بلی کو بچا کے آیا تھا ہاں مار کھا کے آیا تھا لیکن بلی کو بچا کے آیا تھا وہ بھی کرس تھا بلی کو لے کے مار رہے تھے زین مار کھا کے آ گیا تھا
क्या क्या कौन सी बिल्ली? हाँ ले जाओ ले जाओ, हम भी जा लेंगे। हमारी है, खाती क्या है? हर चीज खाती है? कल लेके आए थे। मेरे भाई लेके आए। अच्छा, और इसके छोटे बच्चे नहीं है? अभी बच्चे दे गया है ना, ये मुझे लग गया। ए, अपनी मम्मा को कहे क्या ना? दूसरे घर भाग गए, दूसरे घर भाग गए। जाके ले आना, जा अंदर जा जा। ए, इसके बच्चे होंगे ना, फिर एक देना हमें। ठीक है, तेरी मम्मा को भेज दिया। नहीं, खुद जा, खुद जा। नहीं कहते खुद जा। बिल्ली है कि शेर है? कैसी बच्ची है? बोले वो कह रही मैं नहीं, इधर देखना उसका रो रही है। वो कहती बिल्ली ना दे, इधर देखो बिल्ली ना दो। चलो हम रोज ले आएंगे, अब तो ये हमारे साथ है। चुप। अभी से ये अच्छी तरह से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वो कह रही है दूध नहीं पीती। इसे बांध के रखना, इसे हाँ हाँ पकड़ ले पकड़ ले पकड़। अच्छा, इनके पास जाती नहीं है, हमारे पास फिर भी खड़ी थी। ऐसे जैन के पास, जैन के पास ऐसे नहीं किया, जैन के पास खुश होकर खड़ी थी। वो देख, चलो चलो जैन। जी मामा जी, वो जिसकी है ना वो खुद ले गया ना। क्या क्या मैं कहा था हमारी, फिर उसने क्या कहा था? हाँ तुम्हारी है, मुझे पता नहीं है ना, उनको दूसरे घर गया था। कल कल ही तो आई इनके घर, कल ही कल आई, बांध ही पड़ी थी। कल टेंके बात कर था, इनके है भी नहीं। एनिश बेटा, ऐसे करो, झाड़ू दे दो। मैं गांव से स्पेशल झाड़ू आए। मेरे घर जो भी आता है कहते हैं शहरों में, ये कहाँ से झाड़ू आ गया, ये शहरों में तो नहीं होता, तो गांव में होता है। तो मैंने मैंने उन्हें ये कहा है कि ये मेरे गांव से ही आए हैं, शहरों में ये नहीं होते, और ना ही शहरों में किसी को पता होता है। खजूर के पत्तों के झाड़ू बनते हैं। चलो एक दे आना आंटी, क्या अभी नहीं जाना? तो इन झाड़ों का ये फायदा कि ये गीले होकर टूटते भी नहीं है, और दूसरा ये बहुत चलते काफी दिन चलते, और एक माह चल ही जाता है। और तीसरा ये कि बाजार के झाड़ू से वो जो 100 रुपए का मिलता है ना, ये हमें फ्री में मिले। वो तो अब तो वो किलो के हिसाब से मिल रहा है, बांस वाला झाड़ू 160 रुपए किलो, और वो ग्रीन बहुत होता है, कम दे। और इससे ना झाड़ू मिल जिला भी जबरदस्त रहता है, खड़के भी दे सकते हैं और आराम से सफाई सही है। चलो बस बस रख दे, बच्चा बच्चा होगा ना, छोटा सा बिल्ली भी, उसकी बिल्ली भी हर रोज आएगी अपने बच्चे के मिलने, है ना? छोटा सा बच्चा होगा, दूध कैसे देंगे उसको? पीटा ले लेंगे छोटा सा। कोई याद है आंटी के घर? हमारे घर इशाल का पीटा पड़ा है, पड़ा पड़ के पीटा ना। बाहर से बाहर पड़ने 3 दिन से बाहर पड़ने जाएंगे। अब 11-12 का टाइम होगा ना, तो 11-12 में तो पुराने पत्ते ही रखना, एक दो दे देंगे। हम छोटी बिल्ली लेके आएंगे, ये बड़ी बिल्ली है, ये संभलती भी नहीं है। छोटी बिल्ली आएगी, जैसे जैसे जहाँ आदि करेंगे ना, वो वही आदि होगी छोटी बिल्ली। और छोटी बिल्ली को समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, साथ में भालू लो और साथ में बिल्ली को बिठाओ,
बिल्ली क्या भालू को कहना को वो ना मारे उसको मारो बिल्ली समझ जाती है। हाँ ये सही है, बिल्ली समझ जाएगी। तो बड़ी बिल्ली को क्या समझ जाएगी, बड़ी बिल्ली तो नहीं समझती ना। हाँ वो नहीं समझती, और लोगों को तो पता होता है, वो तो समझदार होती है। खा गई बस खत्म हो गए। क्या बना रहे हो? पूरी बना रहे हैं, गोभी आलू गोभी। हाँ आलू गोभी, आज फिर आलू गोभी के पराठे बनाऊंगी। कल मेथी के पराठे बनाए थे, आज हम फिर आलू गोभी के पराठे बनाएंगे। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तैयारी कर ले जुम्मे की। हाँ जी। जैन ने नहा लिया? जैन ने जैन जैन का से बुलाओ ना जल्दी। जैन को कह जल्दी नहा लो, फिर बाबा जाने वाले हैं, अभी नहीं आया दूध। इतना नहीं आप मुझे देखती धो के ला दो ये दूध, मैं इसमें डाल दूँ जल्दी, करो दूध भी गर्म कर लूँ, फिर मैं रोटी बनाने बैठूँगी। फिर सालन हो गया रेडी, कितना अच्छा लग रहा है। इसे साइड पे कर, इधर हो विशाल। हम आज यहाँ रोटी बना दो, बहुत बेस्ट भूख लग रही है। सालन बना हुआ है ना, सालन देखो। हाँ ये इससे करो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखना इस थाल में पानी दे दो, मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दो। आखिर गैस चला गया है, हमें आग ही जलानी पड़ी है। गैस का टाइम 2 बजे तक होता है और 2 बजे गैस चला गया है। आग जलाना इतना मुश्किल है, सच बहुत मुश्किल है। तो अगर घर में सिस्टम ना हो ना, मुश्किल है, अजाब है। फिर मुश्किल है, शार भी कह रही है मुश्किल है। अगर सिस्टम जैसे हो जिस चीज का, वो होता रहे ना रोज डेली रूटीन से आग जलाना, वो फिर भी मुश्किल नहीं लगता। तो कभी कभी जब आग जलानी हो ना, बहुत मुश्किल लगता है। लकड़ियाँ हैं नहीं, और जो मैंने इनके जो कापी गत्ते वगैरह जो इकट्ठे करती हूँ ना, वही जला रही हूँ। गैस है ये नहीं है, गोभी का पराठा लाजमी खाना है, तो हम फिर भी गोभी का पराठा बना रहे हैं, चाहे गैस नहीं है। अब हम दे रहे हैं सबको पराठा गोभी का, और ये खाने लगे हैं। और ए आराम से धुआं ना कर।